क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ब्रैकेट ऑफ के माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स. सो हेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज के माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू के माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो. और इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो हेयर यहाँ पे होगा ए की वैल्यू के माइनस फाइव और बी की वैल्यू होगी टू इंटू ब्रैकेट ऑफ के माइनस फाइव और सी इक्वल टू टू. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट हैज़ इक्वल रूट्स. तो इक्वल रूट्स में d इक्वल टू जीरो होता है और डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो. और b के प्लेस पे हम लिखेंगे टू इंटू के माइनस फाइव होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू के माइनस फाइव इंटू टू इक्वल टू जीरो. सो और इसमें ये फोर के माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस फोर टू जो एट के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और इसमें कॉमन है फोर के माइनस फाइव. सो के माइनस फाइव माइनस टू इक्वल टू जीरो. सो फोर को इधर राइट साइड भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा. सो के माइनस फाइव के माइनस सेवन इक्वल टू जीरो. सो के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और के माइनस सेवन इक्वल टू जीरो. सो के इक्वल टू फाइव और के इक्वल टू सेवन. और के की वैल्यू अगर हम फाइव इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक ये जीरो हो जाएगा येलो पार्ट. तो हम के की वैल्यू फाइव ले नहीं सकते. वी कांट टेक के इक्वल टू फाइव. सो आवर आंसर इज के इक्वल टू सेवन.